सो ब्रह्मास्त्र मूवी को काफी हाइप दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मास्त्र मूवी ना कुछ रिकॉर्ड तो ध्वस्त करेगी ही करेगी। वेलकम टू एंटरटेनमेंट गॉसिप, यहाँ सब फिल्मी है। मेरा नाम है वैभव। आयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र 2022 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की ये फिल्म 9 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर 15 जून को रिलीज किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि मेगा स्टार चिरंजीवी कथित तौर पर फिल्म ब्रह्मास्त्र का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वहीं सोमवार को इन अटकलों पर विराम लगाते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने इस बात की पुष्टि कर दी है। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर फिल्म का टीजर जारी करते हुए जानकारी दी है कि फिल्म के तेलुगु वर्जन में मेगा स्टार चिरंजीवी की आवाज होगी। करण लिखते हैं, टीम ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। चिरंजीवी सर, बहुत आभारी और सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि आपने फिल्म के तेलुगु संस्करण को अपनी आवाज दी है। अपनी असीम प्रतिभा और भव्यता से इस परिवार को और मजबूत बनाने के लिए आपका धन्यवाद। फिल्म ब्रह्मास्त्र को हिंदी में पेश करने के लिए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट काफी हैं, लेकिन साउथ में इस फिल्म को प्रस्तुत करने के लिए बाहुबली निर्देशक एस राजामौली ने जिम्मेदारी उठाई है। एस राजामौली इस फिल्म को 4 भाषाओं में प्रस्तुत करेंगे। बीते दिनों रणबीर कपूर दक्षिण राज्य में अपने इस फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे थे, तब एस राजामौली भी अभिनेता के साथ थे। ब्रह्मास्त्र को बनने में लगभग 5 साल लग गए हैं। रणबीर और आलिया के अलावा आयान मुखर्जी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में अमिताभ, नागार्जुन, मौनी राय और डिंपल कपाड़िया भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। पिछले दिनों फिल्म निर्माताओं ने बिग बी और नागार्जुन का फर्स्ट लुक जारी किया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। ये फिल्म 9 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसका ट्रेलर 15 जून को रिलीज होगा।